हेलो दोस्तों, आशा पेट केयर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ये 90 डेज़ की वीडियो है पोलर पैरेट बेबी फिश के ऊपर। आप जो ये टैंक देख रहे हैं सामने, एक तरफ मेरा दूसरा टैंक है, दूसरा है पार्टीशन कर रखा है मैंने। एल्विरो पोलर पैरेट है और ये पोलर ब्लू पैरेट है, दोनों है मेरे पास। इसमें मैंने इनको सेपरेट कर रखा है, पेरेंट्स अलग हैं और जो दूसरे थे मैंने उनको अलग कर रखा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और इस साइड वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी काई जम रही है, एलगी भी काफ़ी हो रही है और कुछ ज़्यादा ही इसमें अंदर की तरफ कचरा भी हो रहा है। इसके अंदर मैंने एक शकर कैट डाल रखी है, सामने देख सकते हैं आप कि इसमें एक शकर कैट है। और ये देख सकते हैं आप इस टैंक के अंदर, इसकी क्वालिटी देखो टैंक के गिलास की, और उस टैंक के गिलास की आप देख सकते थे कि कितनी ज़्यादा ही इसमें क्वालिटी ख़राब हो रही थी। दूसरे वाले टैंक में देखते हैं, जैसे देखिए सामने की तरफ पूरी की पूरी ये काई जम रही है, ये वाली पूरी ब्लैक ग्रीनिश काई जम रखी है ऑरेंज कलर की। और पीछे की तरफ मैंने एक शकर कैट को छोड़ रखा है, वो देखिए वो अब 2-3 दिन के अंदर में ये पूरा का पूरा इसको क्लीन कर देगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेल फीमेल हैं, ऊपर आप इनके बेबी देख सकते हैं, इसमें 3 से 4 बेबी बचे हुए हैं अभी, बाकी तो मेरे बेबी दूसरी फिशेस खा गई है। आगे मैं इनको सेपरेट करके दूसरे टैंक में सेटअप करूँगा। देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। अब ये दोबारा से इन्होंने पेयर बनाना चालू किया है, देखते हैं कि इनका पेयर कितने दिनों में बन के दोबारा चालू हो जाएगा। ये देखिए बच्चों का कलर भी काफ़ी अच्छा निकला है और काफ़ी ब्राइट कलर है इनका, पूरे पेरेंट्स पे गए हैं ये अपने। और जो शकर कैट है ये अपना काम प्रॉपर करने चालू कर दिया इसने, धीरे धीरे करके काई खा रही है ये अपनी। इस टैंक को बिल्कुल क्लीन जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर आप प्लांट्स देख सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से हो रखी है। और जो मैंने इसका फिल्ट्रेशन जो बनाया था एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। एक मेरा जो इसमें एक इस तरफ गिर रहा है, इस वाले टैंक में पार्टीशन की तरफ गिर रहा है और एक दूसरी तरफ गिर रहा है। फ्लो मैंने दोनों तरफ बराबर बना रखा है कि इसमें जो इसका शीट वगैरह है जो भी वो इनमें प्रॉपर घूम करके फिल्टर में चले जाए, बैक ऑन फिल्टर में। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि बैक ऑन फिल्टर कैसे बनाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ये देखिए दोनों टैंक को आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसका ग्लास देखिए कितना क्लीन है और इसका ग्लास देख सकते हैं सामने वाले का, ये कितना क्लीन है। इस पर एलगी जम रही है और शकर कैट ने अपना काम कर दिया है चालू। 2 से 3 दिन के अंदर में ये पूरी एलगी खा जाएगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए।